गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आई एम फाइन। नॉट आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा। आज के सेशन में हम आप लोगों को चैप्टर सेकंड का जो बचा हुआ था बातें भाषा है, यही बात बचा था ना, चलिए इसको पढ़ाएंगे हम। मैम आपकी आवाज कट रही है। नहीं बेटा, आवाज नहीं कट रही है, अभी तो हम बुक शेयर कर रहे हैं ना। देखिए बेटा, सभी लोगों को बुक दिखने लगी? यस मैम। चलिए, बातें भाषा की सभी लोग ध्यान देंगे, इसमें आपको पढ़ना क्या है। अब तक आप लोगों ने कभी पिछले चैप्टर में संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ा था ना सभी लोग? हाँ, तो संज्ञा yes, कितने भेद किए गए हैं? कोई बताए? कौन कौन से हैं फाइव भेद? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। चलिए अब आपको देखिए क्या पढ़ना है। चीनू, तुमने, ध्यान दीजिएगा, तुमने कविताएं पढ़ी जिनको अपनी हिंदी की पुस्तक में दिया गया है। चीनू, हाँ सभी कविताएं पढ़ी हैं। चीकू, उनमें से तुमको कौन सी सबसे अच्छी लगी? चीनू, मेरे लिए चुनना मुश्किल है, सभी बहुत अच्छी है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, चीनू और चीकू की बातचीत में जो रंगीन शब्द दिया गया है, इस शब्दों पर ध्यान दें, इनसे शब्दों के आपसी संबंध का बोध हो रहा है। ध्यान दे रहे हैं ना? जैसे यहाँ कर रहा है, तुमने जिनको, है ना, देखिए हिंदी की पुस्तक में, यानी पुस्तक का संबंध हिंदी सब्जेक्ट से है, हिंदी का संबंध उनसे है, यानी तुमसे जो कविताएं पढ़ी थी, है ना, तो एक दूसरे से संबंध को बता रही है। तो ये जो शब्द हैं लाल रंग के, ये संबंध बताने वाले शब्द हैं, तो ये कारक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कारक, यानी संज्ञा वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य अन्य शब्दों के साथ जाना जाए, संज्ञा सर्वनाम शब्दों का जिस रूप से संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए, उसे हम कारक कहते हैं। किसको कारक कहेंगे? यानी संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जिसके द्वारा जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद हैं? आठ भेद हैं। आठ भेद हैं। इस पाठ में चार भेदों के विषय में जानने के लिए निम्न तालिका देखें। अभी आपको इस चैप्टर के अंतर्गत चार पढ़ने हैं, और फिर पिछले चैप्टर जब पढ़ोगे चैप्टर थर्ड, तब चार उसमें पढ़ोगे, ठीक है? Yes, ma'am. यहाँ पे आपको पहला कारक क्या है? कर्ता कारक। क्या कहेंगे पहले कारक को? कर्ता कारक। कर्ता कारक का अर्थ क्या होता है? जिससे कार्य करने वाले का संबंध क्रिया से जाना जाता है, जो वाक्य में जो मेन होता है, जिसके द्वारा कार्य करने वाले का संबंध क्रिया से आता है। कर्ता यानी काम को करने वाला जो होता है, मेन
उसका संबंध वाक्य के अन्य से जाना जाए, है ना। उदाहरण, चीनू ने कविता पढ़ी, आप प्रश्न लिखोगे किसने कविता पढ़ी, तो चीनू ने, तो यहाँ पे कर्ता कारक कौन है, चीनू। चीनू किसने कविता पढ़ी, तो चीनू ने, तो कर्ता कारक क्या हो गया, ने। कर्ता कारक की पहचान हम किस चिन्ह के द्वारा करते हैं, ने, ने। सोहन ने कविता लिखी, तो कविता किसने लिखी, सोहन ने, तो ने आ गया ना यहाँ, तो कर्ता कारक हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वहां पर कर्ता कारक का चिन्ह नहीं दिखता है, फिर भी वहां कर्ता कारक होता है। अगला आप देखिए कर्म कारक, तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या था, ने। अब आप पढ़ेंगे कर्म कारक, जिससे उस वस्तु व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी वाक्यों में जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। देखिए, चीनू ने चीकू को बुलाया, किसने बुलाया, चीनू ने, किसको बुलाया, चीकू को, चीनू ने यहाँ पे कर्ता कारक हो गया। किसको, अगर हम किसको करें तो को आ रहा है अंत में ना, तो को होता है आपका कर्म कारक। यहाँ आंसर आ रहा है किसने बुलाया, चीकू ने, किसको बुलाया, चीनू को, है ना। तो को आपका यहाँ पर कर्म कारक का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, को, क्रम कारक। हाँ, क्रम कारक। तीसरा क्या है, करण कारक, कौन सा कारक है, करण, करण, जिससे उस साधन का पता चलता है जिसकी सहायता से कर्ता कार्य करता है। जैसे चीनू साइकिल से चीकू के घर पास गया, किससे गया, किसको, साइकिल से, किसको, से द्वारा, से द्वारा, या आपका कर्ण कारक का चिन्ह है ना। तो चीनू साइकिल से चीकू के पास, चीकू के पास गया साइकिल से, है ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए कर्ता कारक को हम प्रश्न क्या करते हैं, किसने, किसने कहे, तो किस के आगे ने आ गया, ने जो है ये कर्ता कारक का चिन्ह हुआ। किसको बोल रहे हैं, तो को जो आ गया, तो को आपका कर्म कारक हुआ। किससे, तो साइकिल से। देखिए यहाँ उत्तर भी आ रहा है आपका, अगर हम हमें परिभाषा में याद रहे तो ये तीन चीज हमें, चार चीज हमें याद करना चाहिए कि हम प्रश्न पहले करेंगे, तो प्रश्न का उत्तर में आपका कारक चिन्ह आ जाएगा। जैसे चीनू ने कविता पढ़ी, तो यहाँ पर हम प्रश्न क्या बना सकते हैं, किसने कविता पढ़ी, है ना। तो किसने ने आपका कर्ता कारक का चिन्ह हो गया। किसने कविता पढ़ी, तो उत्तर आ रहा है चीनू ने, तो ने आपका कर्ता कारक हो गया। किस, चीनू ने, हाँ, चीकू को, चीकू ने चीनू को बुलाया, तो अब आप प्रश्न करेंगे किसको बुलाया, तो चीनू को, तो को
को आ रहा है तो ये आपका कर्म कारक का चिन्ह है। ठीक है, अगला उदाहरण है, चीनू साइकिल से चीकू के पास गया, किससे गया? यहाँ मैं प्रश्न किससे गया, तो किससे से आ रहा है, द्वारा या किसके द्वारा गया या किससे गया, दोनों हम पूछ सकते हैं। तो के द्वारा अगर आ गया तो किससे गया, तो साइकिल से, तो यहाँ से साइकिल द्वारा, तो ये आपका करण कारक हो गया। चलिए अब आपका चौथा है संप्रदान कारक, कौन सा कारक है? संप्रदान, जिससे उस वस्तु का, जिससे उस व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है जिसके लिए क्रिया की जाती है। किसके लिए क्रिया की जाती है? इस व्यक्ति या वस्तु के लिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, चीनू ने चीकू के लिए पुस्तक खरीदी, तो हम प्रश्न क्या करेंगे, किसके लिए पुस्तक खरीदी, तो के लिए, चीकू के लिए, उत्तर में भी आ रहा चीनू के लिए, तो के लिए ही संप्रदान कारक का चिन्ह है। आगे समझ में? यस यस मैम, यस मैम। तो ये चारों कारक आपको समझ में आया? यस मैम। कर्ता का चिन्ह क्या हुआ? कर्ता, कर्ता कर्म कारक, कर्म को करण से द्वारा, और का संप्रदान के लिए, किसने किसको किससे और के लिए, किसके किसके लिए, हमने प्रश्न किया चार प्रकार से, उसका उत्तर दिया गया। तो चलिए यहाँ पे आपको करना क्या है, उचित कारक चिन्ह के स्थानों की पूर्ति करें और कारक का नाम लिखे। तो मुझे देखकर डर गया, तो किसे देख के डर गया? मुझको देखकर डर गया, मुझसे सैर को डर गया, तो मुझको देखकर डर गया। हाँ तो मुझको हो गया आपका। अगला है, हिना परीक्षा देने कानपुर गई, हिना परीक्षा देने के लिए कानपुर, के लिए कानपुर गई, किसके लिए कानपुर गई? परीक्षा देने के लिए, देने के लिए। यहाँ कौन सा कारक आएगा? के लिए संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। अगला देखिए, आसमा किताबे कविता लिखी, किसके लिए कविता लिखी? आसमा ने कविता लिखी। पुलिस ने चोर पकड़ा, किसको पकड़ा? को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा? को, है ना? यस मैम। माताजी रेल कोयम्बटूर गई, किससे कम्प्यूटर? माता जी रेल से कोयम्बटूर गई, से से किसका चिन्ह है? के द्वारा, के द्वारा, करण कारक, है ना? आपको यहाँ पर कारक का नाम बताना है। तो वह मुझे देख कर डर गया, मुझको आगे समझ बेटा। यस मैम, यस मैम। तो इन चारों कारकों को आप लोग
चिन्ह सहित तैयार कीजिएगा ताकि अगले टर्म में जो पढ़ाया जाए तो कारक आपको पता रहे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या है, दिए गए कथनों में सही कथन के सामने, सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। हिंदी भाषा में शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, बताइए कोई भी। मैम ठीक, मैम सही का निशान, हाँ सही है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तो उसको रखते हैं। खा देखिए हिंदी सभी तिथियों नदियों और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, सही मैम, सही सही। तिथि, तिथि का मतलब जानने हैं, तिथि क्या होता है बेटा, कोई बताए तिथि क्या है? दिनांक, डेट, मैम दिनांक तारीख, आप तारीख को हिंदी में क्या करेंगे, 1 2 3 4 ये आपकी तिथि हुई, नो मैम इसको नहीं कहेंगे, डेट को हम तिथि नहीं कहते हैं, उसको दिनांक कहते हैं, दिन का अंक है ना, यानी शनिवार है तो इस दिन का अंक क्या है, जैसे आज हम आज हाँ मंगल बुधवार है, आज आज के दिन का अंक क्या है, तो आज के दिन का अंक 12 है ना, तो 12 को जब हिंदी में लिखते हैं तो तिथि होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रथमा द्वितीया तृतीया हिंदी कैलेंडर में, आप लोग कैलेंडर देखते हो? नो मैम, देखना चाहिए हिंदी कैलेंडर देखिए, उसमें प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पंचमी पंचदश नहीं होता है, अमावस्या हो जाता है, पंद्रहवा दिन अमावस्या हो जाता है, चतुर्दशी के बाद अमावस्या आएगा और फिर चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आता है, आप लोगों को शायद हमने बताया है कि हिंदी महीने को दो पक्ष में बांटा जाता है ना, कि नहीं बताया मैम, सूरज के हिसाब से और चंद्रमा के हिसाब से, हिंदी महीने को 15-15 दिन के दो पक्ष होते हैं है ना, यस मैम, 15-15 दिन के दो पक्ष होते हैं, एक को शुक्ल पक्ष कहा जाता है, एक को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, यानी जब 15वें दिन अमावस्या आता है तो वहां पर अमावस्या आने के बाद फिर प्रथमा द्वितीया आता है तो आपका शुक्ल पक्ष चलने लगता है अमावस्या के बाद से, और फिर प्रथमा द्वितीया पूर्णिमा जब आता है तो पूर्णिमा के बाद से आपका कृष्ण पक्ष चलने लगता है, ठीक है, तो वही जो प्रथमा द्वितीया तृतीया है यही आपकी तिथि है, तो तिथियों के नाम नदियां, नदियों को स्त्रीलिंग दिया गया, चाहे जिस नदी का नाम हो आप उसको स्त्रीलिंग मानेंगे, और भाषाओं में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत फारसी उर्दू जो भी भाषाओं के नाम हमको लेंगे वो आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा, ठीक है, यस मैम, यस मैम, अब आप लोग स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कर लेंगे ना, यस मैम, यस मैम, और भी जब आप ग्रामर पढ़ेंगे और भी चीजें आपको बताई जाएगी स्त्रीलिंग की पहचान करने में, तो चलिए यहाँ पे आप सही का निशान लगाएंगे, सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, क्या होगा सही, सही होगा, पर्वतों के नाम और देशों के नाम जो होते हैं ये आपके पुल्लिंग होते हैं, किसी भी देश का नाम हो किसी भी पर्वत का नाम हो, अच्छा चलिए अगला, हिंदी भाषा में वचनों के 3 प्रकार होते हैं, यस मैम, गलत, 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 किसने यस कहा, आपके कितना वचन पढ़ते हो,
गलत है। बहुवचन ये जो आप पढ़ते हो दो, यस मैम। तीन वचन होते हैं संस्कृत भाषा में होते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, ये आपके संस्कृत में होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा के जो ग्रामर करते हैं हम व्याकरण, तो इसमें हम दो ही वचन का उल्लेख करते हैं। तो ये अब अगला है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। क्या यह मैम गलत? गलत हम गलत है, उसे हम क्या कहेंगे? हम गलत वचन। वेरी गुड। चलिए बेटा आप लोगों को इतना याद है, याद रहना भी चाहिए, है ना? पढ़ते किस लिए हो? यस मैम। चलिए अब यहाँ पे नया पाठ से हटकर मेरे बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो चलिए हम जानकारी लेते हैं, काव्य के नौ रसों से संबंधित जानकारी एकत्र करें और उस पर कक्षा में चर्चा करें। तो हिंदी जो हम साहित्य पढ़ते हैं, पहले तो भाषा के अंतर्गत हम व्याकरण पढ़ते हैं। अगर मैम, हाँ बेटा मैम, काव्य क्या होता है? काव्य जो होता है ये आपका जो कविता होती है, यस मैम, जो लयुक्त छंदयुक्त रचना होती है उसको हम काव्य कहते हैं, जो विचार और विवरणात्मक रचना होती है उसको हम गद्य कहते हैं। गद्य और काव्य में तो अंतर आप जान रही हो बेटा, कहानी कब जो लिखा है, कब कब कहानी, नाटक, उपन्यास, है ना, ये सब आपका क्या होता है? गद्य रचना होती है। काव्य यानी जो कविता होता है, जो जिसका लय होता है, जो हम लय के साथ, सुखबंदी के साथ, छंदबद्ध के साथ जो हम पढ़ते हैं वो काव्य होता है ना। तो गद्य में हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं, व्याकरण शास्त्र का गद्य में, जिसमें भाषा, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग और फिर वचन, लिंग, इन सब का अध्ययन करते हैं हम, ठीक है। लेकिन हम काव्य का करते हैं तो काव्य साहित्य का जब अध्ययन करते हैं जिसमें हम रस, छंद, अलंकार, बहुत सारी चीजें हैं उस पे हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो काव्य के नौ रस से संबंधित जानकारी आपको इकट्ठा करना है। तो काव्य में नौ रस कौन से हैं, है ना, उन सबकी जानकारी को इकट्ठा करके आपको क्लास में चर्चा करना है। समझ में आया? यस मैम। नौ रस में है, आप उसको भी हम बता दें, श्रृंगार रस है, वीर रस है, हास रस है, अद्भुत है, भय रस है, करुण रस है, विभस्व है, है ना? बच्चा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसी तरह से नौ रस हैं, ठीक है, यस मैम। रसों के बारे में आपको जानकारी, उसकी परिभाषा इकट्ठा करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रस के अध्ययन के लिए आप मोबाइल पे सर्च करेंगे तो नौ रस क्या, अब तो 11 रस हो गए हैं, ठीक है, अब 11 रस हो गए हैं, वात्सल और भक्त रस। उस पर आपको चर्चा करना रहेगा। दूसरा क्या है, हास्य कलाकारों, रचनाकारों और उनकी लिखित रचनाओं की सूची बनाएं और किसी एक मनपसंद रचना का कक्षा में अभिनय पूर्व प्रदर्शन करें। इसमें आपको क्या करना है, किसी हास्य कलाकारों का या हास्य कवि का उनकी लिखित रचनाओं को आपको ढूंढना है और किसी एक मनपसंद जो रचना आपको लगे उसको आपको कक्षा में प्रस्तुत करना है। आप लोग मोबाइल पे देख रहे होंगे हास्य कलाकारी, बहुत सारे कवि होते हैं, गोष्ठी होती है, हास्य सम्मेलन होता है,
है ना, हंसते हंसते लोटपोट सभी लोग हो जाते हैं उनकी कविता को पढ़ के सुन के, होता है ना, देखते होंगे आप लोग टीवी में या मोबाइल में हंसते वाली चीजें, बहुत सारी टॉपिक आती है हंसते वाली, हास्य कलाकार ही आते हैं जो हमें हंसाते हैं मंच पर, हास्य मंच पर। तो उन्हीं सबको जानकारी आपको एकत्र करना है और एक जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है उसको याद करके कक्षा में प्रस्तुत करना है, ठीक है। इसको आप लोग अगले सेशन के लिए आप रखेंगे या आप ध्यान से आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, आपको अगले सेशन में इसको प्रस्तुत करना रहेगा, रस के बारे में जानकारी एकत्र करना रहेगा, करके इकट्ठा करे रहिएगा, पूछताछ करेंगे हम, और फिर हास्य रचना कलाकारों से कोई भी हास्य कविता है ना जो आप सुनाएंगे, हाँ चलिए मजे मजे में देखिए संतो बंतो की बात, हंसने वाली चीजें है ना, ये चुटकुला भी तो हंसने वाली चीज है, लेकिन यहाँ चुटकुला नहीं आपको सुनाना है, आपको रचना पूरी रचना सुनाना है। बंतो, कल मैं दुकान से कपड़े धोने का एक साबुन लाया था, संतो हाँ तो क्या बंतो, उससे कपड़े धोते ही सारे कपड़े सिकुड़ गए और अब बच्चों को नहीं आप आ रहे हैं, यानी उस साबुन से कपड़े धोने से कपड़े सिकुड़ गए। संतो क्या कह रहा है, ऐसा करो उसी साबुन से बच्चों को भी नहला दो, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। क्या हुआ, अगर कपड़ा छोटा हो गया है उसी साबुन से बच्चों को नहला दो, बच्चे भी छोटे हो जाएंगे तब उनको कपड़े फिट आने लगेंगे, तो क्या बच्चे छोटे होंगे बड़ा होने के बाद? नो मैम। नो मैम। अच्छा ये देखिए जो छंद रस के बारे में ऊपर आपको दिया गया था, यहाँ बाघ पते में और रस का नाम बता भी दिया गया आपको, हिंदी काव्य में 11 रस या भाव है, जैसे वीर रस, श्रृंगार, रौद्र, वात्सल, करुण, इतना यहाँ दिया गया है, आदि प्रमुखता दी गई है, हास रस भी इन्हीं 11 रसों में से एक है। अब आपसे पूछा गया विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग उसको सेकंड में ही पढ़े थे, yes, ma'am. कब मनाया महीने के महीने के रविवार के पहले, तो मनाया रविवार आप लोग हास्य दिवस, हाँ हास्य दिवस मनाए थे या नहीं आप लोग? नहीं याद ही नहीं होगा, जो पहला संडे था इस संडे के पहले जो संडे था वही आपका हास्य दिवस था। अच्छा तो जल्दी ही मदर डे भी मनाया गया, क्या आपको याद है कब था मदर डे? यस मैम। यस मैम। किस तारीख को था मैम? 9 मई। 9 मई को, चलिए बेटा तो समझ में आ गया सबको, yes, करना क्या है? यस मैम। यस मैम। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लेंगे, याद कर लेंगे इसको ढूंढ कर, है ना रस? यस या फिर एक काम करें, रस का नाम याद कर लेंगे और किसी एक रस के बारे में विस्तृत जानकारी कर लेंगे, है ना? यस मैम। रस का नाम लिख लेंगे और फिर किसी एक रस की बढ़िया से डिटेल में आप तैयार कर लेंगे, उसके बारे में बताएंगे, उस रस से संबंधित कविता बताएंगे, ठीक है? यस मैम। देखिए इसमें क्या होता है बेटा, रस क्या होता है इसको आप लोग को बता दें, ध्यान से सुन लीजिएगा, जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं, है कविता को पढ़ते हैं या कविता को सुनते हैं, तो हमारे मन में एक प्रकार की भाव जागृत होती है,
मन में एक प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं उस कविता कहानी को पढ़ती है, तो उस समय भावनाएं जो है रस का रूप ले लेती है, है ना। हमारे मन में जो भाव अस्थाई रूप से जागृत होते हैं उसी रस से आधार पर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे हम कोई कविता पढ़ रहे हैं उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव है, भजन कीर्तन इसको मान लीजिए, अगर हम भजन कीर्तन सुन रहे हैं तो हमारे मन में ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा हो रही है, जो भावनाएं अंदर हमारे हो रही हैं, तो उससे जानते हो कौन सा रस बनेगा। ईश्वर के प्रति हमारे अंदर प्रेम की भावना जागृत हो रही है, श्रद्धा की भावना जागृत हो रही है, तो वहां पर हमारे मन में जो स्थायी भाव ईश्वर के लिए है उस भाव से जो है भक्ति रस की उत्पत्ति होगी, है ना। हमारा मन ईश्वर की भक्ति भावना में लगेगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ईश्वर के प्रति प्रेम होगा, हमारा मन कहेगा ईश्वर की उपासना करें, ईश्वर का भजन कीर्तन करें। जब किसी को सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमारे मन में भाव स्थायी रूप से जागृत होता है, वहां पर भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही जब हम किसी फिल्म की नायक नायिका ले लीजिए, चाहे कविता में किसी प्रेमी प्रेमिका के बारे में कोई कविता हो उसको हम पढ़ें, तो हमारे मन में अस्थायी रूप से प्रेम का भाव जागृत हुआ, होता है कि नहीं होता है। किसी नायक नायिका के प्रति देखते हैं कि हाँ इस पिक्चर इस मूवी में इस जो है हीरो ने इस हीरोइन के को बहुत मतलब प्यार करता है, या उसके ऊपर जो कविता कोई बनी होती है उसमें उस कविता में ऐसा वर्णन किया गया है जिसमें जो एक स्त्री और पुरुष के प्रेम को दर्शाया गया है, या प्रेमी प्रेमिका के प्रेम को दर्शाया गया है, तो उस समय हमारे मन में प्रेम का जो भाव जागृत होता है वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। किस रस की होती है? श्रृंगार। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे मन में प्रेम का भाव हो, प्रेम यानी रति, इसको हम रति कहते हैं, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो रथ का मतलब होता है प्रेम, अगर प्रेम का भाव जागृत हो रहा है तो श्रृंगार रस हो रही है। ऐसे ही किसी कविता को हम पढ़ रहे हैं, कैसी कविता है वो, किसी महापुरुष की वीरता भरी रचना है कोई, जैसे झांसी की रानी का ले लीजिए, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उसमें रानी की वीरता का वर्णन किया गया है ना इस कविता में, या फिर प्रताप की कविता है, रणवीर चौकड़ी भर भर का चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के भूतों से पड़ गया हवा का पाला था, है ना। इस प्रकार की जो कविताएं होती है किसी महापुरुष की वीरता के बारे में, युद्ध के बारे में वर्णन होता है, तो हमारे मन में वीरता की भाव जागृत होती है। तो वहां पर जो वीर वीरता का भाव मतलब उत्साह, हमारे मन में एक प्रकार का उत्साह जागृत होता है, तो इससे हमारे अंदर वीर रस की उत्पत्ति होती है। अगर उत्साह भाव जागृत हो रहा है स्थायी रूप से तो वहां पर वीर रस होता है। ऐसे ही किसी कविता कहानी को पढ़ते करके हमारे मन में अस्थायी रूप से हंसी, हंसने वाली कविता पढ़ते हैं तो हमारे मन में अस्थायी रूप से हास का भाव जागृत होता है, तो वहां पर हास रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, हास। ऐसे ही कभी कभी होता है किसी रचना में बहुत ही ऐसी रचना होती है जिसको पढ़ के हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। यस मैम। अंग्रेजों के समय की कविताएं होंगी, इसको पढ़ के हमारे मन में क्रोध आता है, जब उन्होंने जलियांवाला बाग का हत्याकांड करवाया था, है ना। तो वहां पर क्रोध आ गया, रौद्र हमारे मन में क्रोध की भाव जागृत हुआ, तो वहां पर रौद्र रस होता है। ठीक है,
क्रोध हो गया, वीर हो गया, उसके बाद श्रृंगार हो गया, ऐसे ही भय, भयानक, भय भयानक होता है। जब हमारे मन में किसी कविता को पढ़ के भय की भावना जागृत होती है तो भय से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। अगर हमारे मन में घृणा जागृत होती है तो विभस्स, विभस्स का मतलब होता है घृणा। तो अगर हमारे मन में अस्थायी रूप से घृणा होती है किसी ऐसे चीज को देखकर, तब हम वहां पर विभत्स रस होता है। कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। इस प्रकार से हमने आपके नौ रस के बारे में बता दिया गया, बता दिया। अब दसवां रस जो है भक्ति रस है, वही प्रेम भाव अगर प्रेमी प्रेमिका के प्रति होता है तो श्रृंगार रस होता है, ईश्वर के प्रति प्रेम होता है तो भक्ति रस होता है, और बच्चों के प्रति प्रेम होता है तो वात्सल रस होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 11 हो जाता है। इससे 9 रस है, लेकिन जो हम दो बता दें भक्ति और वात्सल रस, उसका भी स्थायी भाव प्रेम होता है रति। अगर ईश्वर के प्रति रति है तो भक्ति रस होगा, और बच्चों के लिए हमारे मन में प्रेम है, रति है, तो वात्सल रस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 11 रस हो गए। अब आपको इसी चीज को डिटेल में आप लोग लिख लीजिएगा, अगले सेशन में चर्चा करेंगे, करना रहेगा, सबसे पूछेंगे हम। ठीक है, और कोई हास्य कविता तैयार कर लीजिएगा, हंसने वाली कविता। ठीक है, 8 लाइन कम से कम। हाँ चलिए बेटा, जो भी कुछ पढ़ाया गया समझ में आया सबके? यस मैम। कुछ लोग जो है ज्वाइन होके डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए बेटा, बहुत अच्छा आप लोग जानकारी लिए, जो जानकारी आप लोगों को दिए हैं, जो लोग डिस्कनेक्ट हो गए या नहीं ज्वाइन किए, अब उन लोगों को, वे लोग अधूरे रह जाएंगे, उनको कोई जानकारी ही नहीं देगी। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। यस मैम। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। बाय बेटा।